हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राम सिंह यादव वंस अगेन एंड वेलकम टू अप फॉर अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं विजिट करने वाला हूँ ऑल योर रूम्स, और मैं बता दूँ कि फ़िलहाल ये चल रहा है लॉकडाउन का मंथ और बहुत ही स्ट्रिक्टली लॉकडाउन है, और मैं इस लॉकडाउन में ऑल योर रूम विजिट करने वाला हूँ बिकॉज बहुत लोग सोच रहे थे कि ये सिक्योर होगा कि नहीं, सेफ्टी होगा कि नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज बहुत लोगों ने सोचा था इस लॉकडाउन के बाद ऑल योर रूम विजिट करेंगे और वापस से दूसरा लॉकडाउन लग गया। फिलहाल मैं हूँ मुंबई से, तो मैं मुंबई के होटल में विजिट कर रहा हूँ जो कि है अंधेरी ईस्ट में। सारी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप लोगों को अगर कोई और भी डाउट होगा और जो मैंने नहीं बताया होगा इस वीडियो में, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि मैं किस तरह से चेक इन करने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है और आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं इस लॉकडाउन में टू चेक इन सिक्योरली इन टू एनी ओ योर रूम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह का प्रोसेस होता है। मैं तो आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊंगा कि किस तरह से एंटर और किस तरह से हर एक चीज़ बताने वाला कि किस तरह से एंटर और चेक इन किया जाता है। सो दिस इज़ द होटल दैट इज़ सिल्वर की, और ये बेसिकली अंधेरी ईस्ट में है, शहर पंजाब करके एरिया है। सो अगर एक्चुअली इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है, तो अगर आप लोग मुंबई से बिलोंग करते हो या फिर अंधेरी के आसपास लोग रहते हो, तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस होटल एज वेल। और मैं आपको और भी सारे लिस्ट ऑफ होटल्स बता दूंगा कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग कमेंट करते हो तो, कि कपल फ्रेंडली कौन से होटल्स हैं मुंबई में बेसिकली जो मैंने पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। सो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह की चेक इन आपको मिल जाती है और क्या प्रोसेस है। तो यहाँ सिंस यहाँ पे फिलहाल पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे जब एंटर करोगे तो आपको सैनिटाइज़र तो ऑफकोर्स यहाँ पे कंपलसरी है, तो सैनिटाइज़र आपको मिलता है। इसके अलावा आपका टेम्परेचर चेक होता है। सो ओके, सो दिस इज़ 36, दैट इज़ नॉर्मल, तो आपको चेक इन मिल जाएगी, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड द ओनली वन थिंग दैट आपके पास वैलिड आई कार्ड होना चाहिए इफ़ यू आर विथ योर कपल, गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड, दोनों का भी वैलिड आईडी कार्ड होना कंपलसरी है। तो चलिए मैं अपना आईडी सबमिट कर देता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड सबमिट करने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और आप लोगों को आपकी बुकिंग आईडी भी बतानी होती है यहाँ पे। तो जो भी सारी चीज़ है वो आपका नोट डाउन कर लिया जाएगा इस डायरी में जो कि बड़ी सी है, सो दैट कि आपके सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए। इसके अलावा जो आपका आधार कार्ड है उसका एक जेरोक्स लेके रख देते हैं, और आपका जो आधार कार्ड है वो वापस दे दिया जाता है ऑन द स्पॉट। सो दिस इज द ओनली चेक इन प्रोसेस, बहुत ही स्मूथ एंड सिंपल है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि किस तरह का प्रोसेस है, और मैं बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग अपने बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड के साथ फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो। तो बेसिकली ये डर लगा रहता है अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो, कि कैसा होगा, क्या मेरे पापा को कॉल जाएगा कि नहीं, क्या मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस मिलेंगे कि नहीं, कब मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने दिखा दी है। और मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि जो आप डॉक्यूमेंट दोगे, आधार कार्ड या फिर जो भी है, पैन कार्ड को छोड़ के, वो आपको ऑन द स्पॉट वापस दे दिया जाता है। वो आपका एक जेरोक्स रखते हैं फॉर योर सिक्योरिटी पर्पस, और बस आपको चेक इन आराम से दे दिया जाता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप कि आपको मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें मतलब बिना बोले पूरा दिखाई दिया कि किस तरह से चेक इन होता है, और चेकआउट का भी बहुत ही ईजी प्रोसेस है। बस आपको वहाँ पे जाके की वापस रिटर्न करनी होती है, और बस आपको बोल दिया जाता है कि हमें चेकआउट करना, तो आपका बिल आपको दे देते हैं अगर आपको बिल चाहिए तो, नहीं चाहिए तो भी आप डायरेक्टली जा सकते हो, कोई इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो बस इस तरह का आपको चेक इन करना था, यही वीडियो का इंटेंशन था कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि कितना ज़्यादा ये प्रोसेस ईजी है, पता नहीं क्यों लोग इतना डरते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट या फिर कुछ पूछना है, तो यू कैन लाइक फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम रामसिंह_007,
और मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आई विल पर्सनली बुक योर ऑल योर रूम्स फॉर यू। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट करो अपने बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड के साथ, तो ऑलवेज चूज टाउन हाउस या फिर सिल्वर कीज, बिकॉज ये दो जो ऑप्शन होते हैं, इनके जो अलग अलग कैटेगरीज के रूम्स होते हैं, ये बहुत ही टॉप लेवल के अच्छे रूम्स हैं। यहाँ पे आपको प्रीमियम रूम्स मिल जाते हैं, थोड़े पैसे ज्यादा होंगे, तो मेरे ख्याल से अपने गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के सिक्योरिटी के लिए इतना तो आपको पे करना ही चाहिए। और आपको चीप होटल से आई थिंक से ये बचा लेता है, बिकॉज आपको अच्छी क्वालिटी के लाइक अच्छे प्रीमियम लेवल्स के आपको होटल प्रोवाइड करता है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक ओयो एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, फटाफट जाके डाउनलोड कर लो। आपको कुछ ना कुछ ओयो रूपी मिल जाएगा जो कि आप लोग यूज कर सकते हो अपने ओयो रूम बुकिंग में, आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हमारे दिए गए लिंक से अगर आप लोग डाउनलोड करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है और अच्छी लाइक आपको डील भी मिल जाती है। सो यू कैन चेक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। इसके अलावा कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे सारी चीज़ें होती है, किस तरह से सारी चीज़ें आपको करनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, बिकॉज ऐसे वीडियोज बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हैव अ गुड डे। बाय।